चौधरी जिंदाबाद। जयंत चौधरी कह रहे थे कि भाजपा तो किसानों पर अत्याचार करती है। ना भाई अत्याचार जब करती थी तो हम इस मई आ गए इतना करने देने के। पलट गए तुम भी चवन्नी की तरह। अरे चवन्नी ना पलटती कहती भी। जयंत चौधरी कह रहे थे चवन्नी थोड़ा यूं पलट जाऊंगा। देख इज्जत तो हर आदमी को हजम हो। जब जयंत चौधरी की इज्जत करी मोदी खुद आएगा जयंत चौधरी से मिलन। मेरा तो मैं 30 तारीख मोदी खुद आएगा मुझे वही मिलेगा। मोदी चाटो धराएगा मोदी चाटो धराएगा। ऐसा है ओवैसी कुछ ही को यहाँ से गठबंधन की सरकार बनेगी और चौधरी इकरासन सांसद बनेगी। चौधरी इकरासन जी। अरे तुम बीजेपी की रैली में आके चौधरी बीजेपी की रैली में क्यों कोई आ नहीं सकता रैली में तो कहीं भी जा सकते हो आप। ये लोग भड़का के दोनों की बात तो करते हैं। विकास चाहिए मैन। हाँ वो ऐसी चीज कह रहे हैं इस सरकार में मुसलमानों पे बुलडोजर चल रहा है। गुंडा कोई नहीं है वो ऐसी आदमी है वो गुंडा आदमी है वो ऐसी हिंदू मुस्लिम लड़ाता है और अपना उल्लू सीधा करता है। हाँ उसका ये काम है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं बेहतरीन नंबर वन। स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क में। मेरा नाम है प्रिंस। चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। इस वक्त मैं कैराना में मौजूद हूँ और सांसद प्रदीप चौधरी ने भी एक जनसभा को संबोधित किया है। कुछ लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उन्हीं से जानेंगे आखिर 2024 में क्या एक बार फिर प्रदीप चौधरी कैराना की जनता के मन में बैठेंगे या इकरासन बाजी मार दे। क्या नाम है जी आपका? रईस है। रईस जी क्या लग रहा है क्या होने वाला है 2024 में इकरासन या प्रदीप चौधरी? प्रदीप चौधरी क्यों? मेरे को क्या है ही? क्या क्या दिक्कत है प्रदीप चौधरी में? अरे बहुत तारीफ है जी। क्या नाम है? बहुत तारीफ है। रामदास है मेरा। रामदास जी क्या कह रहे हैं बहुत तारीफ है? लोग तो कह रहे हैं कि 5 साल में आई नहीं कहीं। अरे हाँ कौन नहीं है हटका फिर वही आ रहा। कौन? मोदी और योगी। मोदी योगी इकरासन कह रही है कैराना में हम बैठेंगे। अरे कुछ ही कहो जो हमें नहीं पता। जा रहे तुम सुन तो लो। मैं तो पहले वो देख रहा हूँ। हाँ जी क्या नाम है आपका? ग्राम प्रधान पिलखनी सहारनपुर। क्या लग रहा है सर एक और इकरासन है एक और प्रदीप चौधरी तो कौन बाजी में? देखो काम के ऊपर है जैसा काम करते काम के अनुसार दिए जा। हमने प्रदीप चौधरी जो जो भी काम लिया हमारे क्षेत्र में काम दिए उन्होंने। अच्छा जी। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में ये नाराजगी दिखाई दे रही है कि प्रदीप चौधरी 5 साल में कभी अपने क्षेत्र में नहीं गए। तो नाराजगी सबकी रहती है। हम भी वर्तमान प्रधान है हमारी भी नाराजगी किसी को खुश नहीं कर सकते हम भी। अच्छा सबकी सच्चाई है तो आप 100% आदमी खुश नहीं कर सकते हो कभी भी। अच्छा इकरासन तो कह रही है इस बार हम जीतेंगे जनता हमारे साथ है। जितने प्रत्याशी हो सब जीते नजर आवे अपने आप को। जब हम वर्तमान में चुनाव लड़े थे अपना तो 17 खड़े थे कैंडिडेट 17 के 17 प्रधान थे। सोनू शर्मा। सोनू शर्मा जी क्या लग रहा है इकरासन तो कह रही है हम जीतेंगे इस बार। इकरा बिकरा अरे कहां इकरा हवा भी नहीं आती। इकरा यूं कह रही कुर्सी हिला दूंगी अपने। जी हां कुर्सी हिल जाएगी अपनी जान ही बचा लो अपनी जान। वो क्या दिख रहा है भाजपा में? पूरा विकास हो रहा है। पूरा विकास हो रहा है हमारे प्रदीप चौधरी जी पूरा काम कर रहे हैं। लोगों में तो नाराजगी है कि प्रदीप चौधरी कभी आए। दिखाओ ये नाराजगी दिख रही देखो कैमरा घुमा के नाराजगी दिख रही आधे तो पीछे फंस रहे इतना तो मैं वैसे ही रोड शो में इकट्ठा कर दूं। रोड शो करो ना इकट्ठा करा। जी क्यों मना कर रहे तुम्हें ना तमी सुन लो। क्या नाम है जी आपका? सत्येंद्र चौधरी। सत्येंद्र चौधरी क्या लग रहा है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो लोगों का रुझान था मनीष चौहान की ओर था अब क्या वो नाराजगी खत्म हुई या नहीं हुई? बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल कोई नाराजगी नहीं है यहाँ पे। कोई नाराजगी नहीं है आपको आज की भीड़ बता देगी। नाराजगी होती तो भीड़ थोड़ी होती है। श्यामली जाम है ये भीड़ के कारण ही तो है। अच्छा इकरासन तो ये क्या इतनी तो मैं एक रोड शो में इकट्ठा कर देती हूँ भीड़ जितनी करते हैं वही लोग रहेंगे उसके साथ दो दो चार चार लोग ही हैं और फालतू कुछ नहीं है। कह रहे हैं अब के तो विधायक बने थे भाई इस बार हम सांसद बनेंगे। कभी नहीं बन सकते जी। है जी चक्कर में भी नहीं आने का होगा इकरा को। इकरा को क्यों? इकरा को क्यों नहीं आने का? जो प्रदीप चौधरी करके दिखा था के वो इकरा नहीं कर पाएंगे। क्या कर दिया प्रदीप चौधरी ने? प्रदीप चौधरी ने बहुत काम करा देश के लिए। लोग तो ये कह रहे हैं एक गांव गोद लिया था वहां तो गए नहीं प्रदीप चौधरी। ये गलत कहे लोग बाग। ये गलत कहे लोग बाग। गलत कह रहे गांव वाले कह रहे किवाना के गांव वाले। नहीं 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 ये गलत बात है। अच्छा प्रदीप चौधरी जैसा कोई व्यक्ति नहीं मिलने का सा। क्या नाम है भाई? आर्यन है भाई। आर्यन युवा जाट। हाँ भाई। अच्छा जाट जाट। हाँ जाट की सोर है क्या मूड है फिर जाट? भाई नवा नौ दिन और पुराना 100 दिन यहाँ था प्रदीप चौधरी। प्रदीप चौधरी में क्या होगा अटके फिर भाई? हमें तो इतना बता जहाँ काम इनके मास्टर हमारे मास्टर जी ने करा कमर पाल जी ने वैसा ही काम प्रदीप चौधरी कर रहे और हम तो बढ़िया काम कर रहे और करते रहेंगे। हम तो इनका नहीं जिताओगे। इकरा तो ये कह रही लोगों में नाराजगी है। इकरा इकरा कह रहा नाम इकरा तो देख हमें तो इतना बता हमारे चरण सिंह जी को बड़ा जतन दे दिया। हमारे चरण सिंह जी को बड़ा जतन दे दिया। जाटों को और क्या चाह इतना सम्मान कर रखा जिसकी कोई हद नहीं। जयंत चौधरी जिंदाबाद। जयंत चौधरी कह रहे थे कि भाजपा तो किसान पर अत्याचार।
अत्याचार करती है ना भाई, ऐसे अत्याचार जीव करती थी जीव तो अभी समय आ गया इतना करने देने के, हम पलट के तुम भी चवन्नी की तरह। अरे चवन्नी ना पलटती कितनी भी, जयंत चौधरी कह रहे चवन्नी थोड़ा यूं पलट जाऊंगा। देख इज्जत तो हर आदमी को हजम हो, जब जयंत चौधरी की इज्जत करी मोदी खुदा होगा जयंत चौधरी से मिलन, मेरा तो मैं 30 तारीख मोदी खुद आएगा मुझे वही मिलेगा, मोदी चाटा धरा होगा, मोदी चाटा धरा होगा। किसान तो नाराज है बॉर्डर पे बैठे, कोई नाराज नहीं है भाई, कोई नाराज नहीं है। बताओ क्या नाम है? राजनीति बलवंत। बलवंत किसान तो नाराज है, कह रहे हमारे बॉर्डर पे बैठे, ये तो उसे आदमी है उसे राजनीति आ रहे राजनीति। अरे नु कह रहे बड़े किसान है हम, देश को बुलंदे पहुंचाएंगे। ना 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 तो ऐसी सरकार नहीं आने की बोर्ड का है, हां घनी बढ़िया सरकार है। क्या बढ़िया लग गया ताऊ को? सारी बढ़िया है। मोदी अखिलेश यादव तो ये कह रहे बेरोजगारी है सरकार में, किसानों पर अत्याचार है। अरे नहीं नहीं नुको तब वो कर लो के घास घूस बेच के कर लग रो काम, घास घूस बेच के। अरे नु कह रहे यूपी की 80 सीटें ले जाएंगे हम। नहीं नहीं सब काम बढ़िया हो रहा, बहुत बढ़िया, ऐसी सरकार नहीं आएगी। अच्छा प्रदीप चौधरी के ऊपर तो लगातार आरोप लग रहे हैं कि एक गांव का गोद लिया था कि वाना वहां तो गया नहीं। आया मुझको तो यू गोद दी तू दिल का लंडा ये तो गोद दिखला हमारा जाकत है। अच्छा। और करोड़ पाल का लड़का ये तो बढ़िया काम हो रहा है, बहुत घना बढ़िया काम कर रहा। अच्छा हाँ। कुछ और लोग हैं जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इरफान प्रधान। इरफान प्रधान जी क्या लग रहा है, क्या माहौल है, किराना की जनता की सोर है इस बार? किराना की जनता देखो प्रदीप को ही बना देगी दोबारा भी। प्रदीप को क्यों, प्रदीप में क्या दिख गया इरफान भाई? प्रदीप की ओर भला आदमी है, अच्छा आदमी है। तो कह रही है हमारी ओर है इस बार मुस्लिम समाज, जो उसके साथ भी है, जो इनके साथ है वो इनके साथ है। अच्छा सब बीजेपी में क्या नजर आया आपको, इरफान भाई रैली में आ गए उठ के? बीजेपी में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं इस सरकार में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। अखिलेश तो पहले भी सरकार मुशारे की रही, उन्होंने तो पहले भी करा, तो सभी का काम है, सब आप अपने कह रहे हैं। अच्छा हाँ, क्या नाम है बड़े मियाँ आपका? मोहम्मद यूनुस, सवासत नगर पंचायत। मोहम्मद यूनुस जी क्या लग रहा है, क्या माहौल है फिर कैराना की जनता इस बार क्या बचाती है? भारतीय जनता पार्टी बनेगी भाई, मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं भारतीय जनता। हाँ और प्रदीप चौधरी जो है ना एमपी नहीं बल्कि एमपी तो बने गए, मिनिस्टर बनेंगे। मिनिस्टर मिनिस्टर इकरासन कह रही है एमपी तो हम बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। इकरासन तो कह रही है एमपी हम बनेंगे, क्या फायदा, बच्चे हैं ठीक है सब बच्ची। अरे नहीं उन्होंने तो कहा कि जैसे भाई को विधायक बनाया था तो इस बार मैं सांसद बनूंगी, मतलब काम देखो इन लोगों इसका, ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार का काम देखो, हमारा क्या माहौल था खासकर मुस्लिम आबादी वालों का और हरिजन भाइयों का, कि हमारी माँ बहन जो थी वहाँ जाती शौचालय करने कहाँ खेतों में, ये शौचालय किसने बनवाए, किसने बनवाए, मोदी जी ने बनवाया। अच्छा। योगी जी ने बनवाया, फिर क्या बात है, अच्छा जी राशन एक महीने में राशन 2 बार दे रहे हैं, फिर मकान बन गए जो कभी किसी के मकान नहीं बने थे, तो भाई अब तो पब्लिक बदल गई। अच्छा। हाँ लोग तो कह रहे हैं राहुल गांधी कह रहे हैं सरकार में इतनी बेरोजगारी है पाकिस्तान को पछाड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है, सब ऐसा ही नहीं है, सब ऐसे कर दो क्या उससे कुछ नहीं होता। चलो एक फूल है कमल का क्या यहाँ से पिरोया जाएगा 400 पार? एकदम एकदम भाई एकदम 3 लाख वोट। अच्छा। हाँ एकदम ऐसा नहीं, मतलब कभी कैमरे के सामने बोल रहे हो दिल में राहुल गांधी हो, क्या है कमल का फूल हाथ में? हाँ यो देख इसका फोटो काटना ले, अब राहुल गांधी का क्या होगा फिर? वो वहाँ जाएगा अपने जहाँ से आया, वो ऐसी जी कह रहे हैं मैदान में। अरे भाई हिंदुस्तान के रहने वाले हम हैं, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। अच्छा। हाँ और राहुल गांधी, और सुनो एक बात में बात मेरी नोट कर लियो, हम मुसलमान हैं वफादार हैं अपने मुल्क के, हम जहाँ पैदा हुआ यहीं मरेंगे, यहीं खाना है पीना, हमारे ऊपर वाला अल्लाह भी हमें कह रहा है हमारी कलाम पाक के अंदर, जिस मुल्क के अंदर पैदा हुआ वहीं रहो, वहीं जियो, उसी का मान सम्मान करो। अच्छा। ये लोग भड़का के दोनों की बात तो करते हैं। हाँ वो ऐसी चीज कह रहे हैं इस सरकार में मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा है, गुंडा कोई नहीं है वो, ऐसी आदमी है वो, गुंडा आदमी है वो, ऐसी हिंदू मुस्लिम लड़ाता है और अपना उल्लू सीधा करता है। अच्छा। हाँ उसका ये काम है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन नंबर वन। परेशान है जी मेरा नाम जी, क्या लग रहा है क्या माहौल है कैराना की जनता का, इकरासन कह रही है इस बार तो साइकिल चलेगी? अच्छा जी ना 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 साइकिल नहीं चलने की, क्या चलेगा, फूल ही चलेगा बस। फूल क्यों चलेगा, वो अच्छे काम करता है फूल। लोग बात तो कह रहे हैं प्रदीप चौधरी कभी आए भी नहीं है। नहीं नहीं आए क्यों नहीं, 5 साल में अगर बात हुई आने की तो अपने बेटे को भेज दिया, खुद तो आए नहीं कभी जी। नहीं आते हैं हमारे यहाँ तो आते हैं चिलखाने में। काम बढ़िया हुआ? बढ़िया हुआ, बढ़िया विकास चल रहा है। अच्छा। हाँ और हर फिर जिसकी इज्जत बथरी उसका सब कुछ बथरा बेटे, फिर बात सुनो मैं करेशन प्रधान हूँ कातोड़े का। हाँ प्रधान जी हैं आप? हाँ जिसकी इज्जत है उसका सब कुछ है, रात को हमारी धी बेटी कहीं भी फिरती है। अच्छा। फिर है ना कोई भी चिंता नहीं। अच्छा। नहीं नहीं तो हम दिहाड़ी करके आते हैं, सेफन लगे हमारे उसे ठहर लेंगे हमारे जार बोधो में उसमें जुड़ कर हमें छोड़ गए। पहले की सरकारों में ये था ये था
और आपकी सरकार अब तो कहीं भी सो खुले कोड़ सो रहे हानि 10-15 चोर बढ़ जाते हैं इनको में अगर भाई उसके एक में चोर लग रहे उसमें बदमाश लग रहे सड़क देख लो तुम। अच्छा जी अब कोई चिंता नहीं है जनता खुले कोड़ सो रही किसान अपने बोरिंग पे कैसे जाओ 1 बजे जाओ 2 बजे जाओ किसान तो नाराज है बीजेपी से बॉर्डर पे बैठा है कोई नहीं नाराज है कोई नहीं नाराज है भाई बॉर्डर पे कौन है फरोड़ी है सब फरोड़ी है क्या नाम है भाई सन्नी पवार है सन्नी भाई क्या लग रहे हैं युवा है राहुल गांधी कह रहे हैं युवा हमारी हो रहा है इस बार हमें तो वोट विकास पे देना सड़क पे देना वो सुरक्षा पे देना हमें ना धर्म देखना ना जाति देखनी एक तरफा कमल का फूल देखना एक तरफा कमल का फूल हमें सड़क चाहिए हमें सुरक्षा चाहिए हमें कॉलेज चाहिए हमें पढ़ाई चाहिए हमें विकास चाहिए विकास हमें इस सरकार में मिल रहा तो हमें कहीं और देखना ही नहीं है एक तरफा कोई धर्म जाति कुछ नहीं है एक तरफा कमल का फूल है बस। ओ वैसी जी तो कह रहे हैं इस बार हम मैदान में हैं अखिलेश यादव कह रहे हैं गठबंधन इस बार 80-80 सीटें ले जाएगा गठबंधन तो आपस में टूटता जा रहा है कराएगा कहाँ गठबंधन आप बताओ कह रहे हैं अखिलेश यादव है हमारे साथ नहीं कोई नहीं है यहाँ तो कमल का फूल है और बस और कुछ नहीं है मतलब विकास सड़क बस ये चेहरी कमल के फूल में क्या दिख रहा है ऐसा लोग विपक्ष कह रहा है सिर्फ हिंदू मुसलमान पे लड़वा रही है सरकार अब तो हिंदू मुसलमान सब समझ चुके हैं अब कोई लड़ाई रही नहीं है अब खाली सड़क देख रहे हाईवे देख लो आप चारों तरफ और पानी देख रहे अपने गाँव का विकास देख रहे लाइटें लग रही गाँव में कैमरे लग रहे उत्तर प्रदेश तो ऐसा बना दिया ऐसा शायद ही कोई प्रदेश हो भारत के अंदर अखिलेश यादव कह रहे हैं इतनी गुंडागर्दी है भ्रष्टाचारी है युवाओं के पास बेरोजगारी है नौकरी नहीं है यहाँ तो भाई सब सुरक्षित है जी अखिलेश यादव की सरकार में कैराना में दिन दहाड़े में व्यापारियों की हत्या कर दी गई थी कैराना में अच्छा हाँ और अब तो गुंडा है ही नहीं कोई भी अखिलेश यादव तो कह रहे हैं इतनी गुंडागर्दी है दुगनी गुंडागर्दी है अखिलेश यादव जी जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में 0+ रहेंगे 80 सीटें कह रहे हैं ले जाएंगे पूरी की पूरी समीकरण बता दो 80 सीट लेने का आप तो कह रहे हैं इस बार 80-80 सीट साफ है पश्चिम में ले लो आप जाट हमारी साथ है और 36 बिरादरी है एक बिरादरी उनके साथ में है और 35 बिरादरी हमारे साथ में हाँ कह रहे हैं कैराना तो साफ है कैराना में तो साइकिल चल गई देखो हमारी साथ में मुस्लिम भाई भी है हाँ जी क्या नाम है आपका अफसर अली जी ओवैसी जी कह रहे हैं सरकार में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है ऐसा है ओवैसी कुछ ही को यहाँ से गठबंधन की सरकार बनेगी और चौधरी इकरासन सांसद बनेगी चौधरी इकरासन जी अरे तुम बीजेपी की रैली में आके बीजेपी की रैली में कोई आ नहीं सकता रैली में तो कहीं भी जा सकते हो आप चौधरी इकरासन हाँ जी लो अपनी बात कह रहे हैं आप सबको है ऐसा दबाव कैसे दे रहे हो आप नहीं जो मेरे मन में बात है वो कहूंगा मैं मेरी बात हाँ बोलिए हमारे केरला क्षेत्र में चौधरी नाईद हसन विधायक है अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए जेलों तक जाते हैं और यहाँ के सांसद हमारे सांसद साहब भिजवा दिया हमारे विधायक केरला लोकसभा के सांसद प्रदीप चौधरी जी रसूलपुर में 29 आदमी वगैरह के सेल लगवाई है देख लो आप चारों तरफ अपने रिंग रोड रसूलपुर में देखो नाइज विधायक सुन लो नाइज भाई की बात कर रहे हैं भाई कोई बात नहीं लग नाइज विधायक के सुनो एक एक बोल एक नाइज विधायक के बाबा जी सांसद रहे ये क्षेत्र थे उनकी उनके पिताजी 4 सदन में उनकी माता जी सांसद रही नाइज विधायक है इस क्षेत्र में कोई उपलब्धि गिनवाई हो तो हाँ मैं बताता हूँ 2012 में सांसद विधायक बने थे नाहिद हसन उपचुनाव जीते थे और हमारे 24 गांव लोहिया ग्रामीण लोहिया में देते जिसमें 3 लाख रुपए मिलते थे 3 लाख रुपए लोहिया में 3 लाख रुपए शहर की हालत देख लो आप प्रधानमंत्री आवास 3 लाख में क्या हो एक मिनट शहर की कराने की हालत देख लो 6000 मकान मुस्लिमों के बने हैं तो 500 मकान हिंदुओं के बने हैं क्या इनका भेदभाव है भाई गलत करे बिल्कुल इन भाइयों से नहीं पूछो अरे रुको यार रुको आराम से बोलो